उदाहरण 13, कोष्टक में 2x धन 5 गुणित कोष्टक में 4x धन 3 गुणनफल ज्ञात कीजिए। बहुपद 2x धन 5 गुणित दूसरा बहुपद 4x धन 3 का हमें गुणा करना है, बराबर हम पहले बहुपद का पहला पद 2x को दूसरे बहुपद से गुणा करेंगे, तो 4x धन 3 जो है दूसरा बहुपद को हम कोष्टक में लिखेंगे और पहले बहुपद का जो दूसरा पद है धन 5 इसका हम पुनः गुणा करेंगे दूसरे बहुपद से, तो हम दूसरे बहुपद को हम कोष्टक में लिखेंगे, कोष्टक बंद, बराबर अब हम 2x का गुणा कोष्टक के बहुपद के हर पदों से गुणा करेंगे, तो 2x गुणित 4x धन 2x गुणित 3 धन 5 गुणित 4x धन 5 गुणित 3 बराबर यहां पे गुणांकों का गुणा होगा, तो 2 गुणित 4 गुणित एक्स धन 2 गुणित 3 एक्स धन 5 गुणित 4 कोष्टक में एक्स धन 5 तिया 15 बराबर 2 चौक 8 एक्स गुणित एक्स एक्स का घात 2 यहां के घात जुड़ जाएंगे 1 धन 1 2 धन 2 तिया 6 एक्स धन 5 चौक 20 एक्स धन 15 यहां पे 8 एक्स का घात 2 अकेला है जबकि 6x धन 20x ये सजाती पद है, तो यहां पे 6 धन 20 को हम जोड़ेंगे और उभयनिष्ठ x होगा धन 15 बराबर 8x का घात 2 धन 26x धन 15 इस तरह यह उदाहरण हल होगा।